अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने वालों में से नहीं हूं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूं और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। क्या 90s के हीरो बचकानी हरकतें किया करते थे? सोल्जर में कौन था वो सपोर्टिंग कैरेक्टर जिसने मूवी में जान डाल दी थी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोस। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ सोल्जर मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। 90s के हीरोज लार्जर देन लाइफ होते थे, इसलिए जब भी हीरो हॉल में एंट्री मारता तो सीटियाँ बजती थी। अपने स्वैग के साथ गुंडों की धुलाई करता, गाने गाता, डांस करता, जिसे जनता हॉल से बाहर निकलकर दोहराती। आज के समय में 90s वाले हीरो की ज्यादातर हरकतें बचकानी लगती हैं, और वो फिल्में भी। अगर उन फिल्मों को याद करने भी बैठो तो दिमाग में पहली इमेज हीरो की नहीं आती, आती है उस खास किरदार की जिसका रोल हीरो के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होता था, जिन्हें अक्सर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कहा जाता है। उनको निभाने वाले कलाकार आज भी याद आते हैं, शायद नॉस्टैल्जिया की वजह से या उनके काम की वजह से। आज बात करेंगे ऐसा ही एक यादगार सपोर्टिंग कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर की। 1998 में बॉबी देओल की मूवी आई थी सोल्जर, जो बॉबी देओल, प्रीति जिंटा और नयो नयो के अलावा एक और फैक्टर के लिए याद की जाती है, उसके विलेन जोजो के लिए, जो मेन विलेन नहीं था, मूवी में सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए था। वो जोजो जिसके दांत बॉबी ने जला दिए थे, वो जोजो जो टेबल पर रोलर स्केटिंग करते हुए पेप्सी का केन गिरा देता था। मतलब इतनी बुरी तरह तो रोनाल्डो ने कोका कोला की बॉटल्स को टेबल से नहीं हटाया था। खैर, आज बात करेंगे जोजो का रोल प्ले करने वाले जीतू वर्मा की, जानेंगे कि कैसे रोलर स्केट्स की वजह से वो जोजो बने। जीतू बड़े होकर फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे, ऐसा उनकी किस्मत में जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था। इस बात की सबसे बड़ी वजह उनके पिता बद्री प्रसाद वर्मा, जो राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले थे। 50 के दशक की बात है, गांव में रोजगार के ज्यादा सोर्सेस न होने की वजह से उनके पिता जयपुर आ गए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। जयपुर से सीधा पहुंचे बंबई। उम्मीद थी कि जो शहर सबके सपने पूरे करता है, वो क्या उनके सपने पूरे नहीं करेगा? उन दिनों बॉम्बे का दूसरा मतलब था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। जीतू के पिता भी मूवी इंडस्ट्री में काम करने लगे बतौर एक स्टंटमैन। जोजो के अलावा अगर मेन लीड की बात करें तो बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी सुपरहिट हो गई थी। साथ ही साथ सुपरहिट हुआ था मूवी का गाना। इस मूवी का म्यूजिक एल्बम साल का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। प्रीति जिंटा को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। मूवी सच्ची घटना पर बेस्ड थी। मूवी सोल्जर ने बॉबी देओल को रातों रात स्टार बना दिया। लोग उनके हेयर स्टाइल से लेकर लुक तक सब कुछ कॉपी करने लगे थे। खैर, बहुत से किस्से जुड़े हैं इस मूवी के साथ, लेकिन सब कुछ आज नहीं बताऊंगी, इसलिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। खैर, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।